ये सारी सरकारों के आंकड़े अब साइट सुपर और इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, उसको डाउनलोड करिए, आप स्वतः ही उसका कंपेरेटिव स्टडी करिए कि किस पार्टी की सरकार आती है तो विकास बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य 80 के दशक में एक शब्द प्रयोग पैदा हुआ था, शब्द प्रयोग देश के अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र पर, मतलब देश के इकोनॉमी पर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर चिंतन करने वाले पंडितों ने किया था, बीमारू राज्य, याद होगा आप लोगों को, थोड़ा खंगाल लेके तो याद आएगा, बीमारू राज्य का एक शब्द प्रयोग हुआ था, बीमारू, बी से था बिहार, एम से था मध्य प्रदेश, आर से था राजस्थान और यू से था उत्तर प्रदेश, से चार राज्यों को बीमारू राज्य कहे गए थे जिनकी फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन थी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर हो चुका था। अब बीमारू राज्य की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य आज 10 साल के 13 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद विकसित राज्यों की सूची में 1 से 5 में आते हैं, वो बीमारू राज्य से बाहर निकल चुके हैं। उसके हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची, हर गांव में पब्लिक हेल्थ का कार्यक्रम पहुंच चुका है, हर गांव में शाला पहुंची है, जहां स्कूल पहुंचे हर कमरे के लिए शिक्षक है और शिक्षक के लिए कमरा है, ड्रॉप आउट रेशियो 5% से नीचे चला गया है, इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगारी आती है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा है। ये राज्य बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, उसके बाद में राजस्थान भी आज बीमारू राज्य नहीं। बिहार में जब तक हम थे बीमारू राज्य से बाहर निकलने की गति तेज थी, आपको भी मालूम था, सब लोग कहते थे बिहार में अब तेज गति से विकास हो रहा है, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर हमारे हाथ में आया है फिर से बीमारू राज्य से बाहर आने की दिशा में चला गया। और उत्तर प्रदेश में भी 15 साल के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 5 साल के बाद जब हम उत्तर प्रदेश की जनता के पास जाएंगे, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में नहीं होगा।